भगवान ने भी सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट यूज करके कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन वो कॉपी बटन बनाते कैसे हैं? वो दिखाता हूं तुम्हें जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो अपने पास एक पी टैग है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, अभी लिखेंगे ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं प्रिंसी काठीवाड़ा, डन। अब अपने को क्या करना है, पहले तो टेक्स्ट निकालना है जो भी हमें कॉपी करवाना है। सो लेट्स से कॉस्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, ये टेक्स्ट टू कॉपी। इसका हमें क्या निकालना है, टेक्स्ट कंटेंट, डन। अगर इसको लॉक करेंगे प्रिंसी काठीवाड़ा, टेक्स्ट मिल गया आपने, लेकिन इसको भी क्लिपबोर्ड तक पहुंचाना है। तो अब क्या करेंगे, बटन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बटन क्लिक पे चाहिए ना हमें। कॉस्ट बटन इक्वल्स टू सेम चीज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डन। ठीक है, बटन मिल गया। अब इस बटन के ऊपर हमें क्या करना है, एक इवेंट लिसनर ऐड करना है जो कि है क्लिक इवेंट लिसनर, और वो क्लिक होने पे कॉल बैक फंक्शन रन करेगा, और क्या करेगा वो उसमें नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या लिखेगा जो हमने ऊपर टेक्स्ट निकाला था, वो सिंपल सा है बहुत। तो देखो अगर अभी मैं पेस्ट करूंगा तो मैंने टेक्स्ट कॉपी कर रखा था कहीं से, वो हो रहा है। अगर मैं कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा, देखो क्लिक एंड अब करूंगा पेस्ट पेस्ट पेस्ट, लेकिन अब गॉड को तो आईडी अलग से चाहिए ना इसमें, तो हम क्या करेंगे इसको कॉनकैटिनेट करके यहां आईडी दे देंगे, और लेट्स से लेट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, ऑन एवरी क्लिक वी गॉट आईडी प्लस प्लस आई। ठीक है, अभी क्या होगा, लेट आई इज 1, जब भी राइट टेक्स्ट होगा टेक्स्ट के साथ साथ प्लस प्लस आई भी राइट होता रहेगा। तो जब मैं कॉपी करूंगा काठीवाड़ा 2, एक और बार कॉपी किया 3, एक और बार कॉपी किया 4, कितनी भी कॉपीज बना लो भाई, एंड ऑल सेट।